नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज लोक विरसा का कयाम 1974 में अमल में आया, जिसका मकसद पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त के लिए काम करना, सकाफती बुनियादों को महफूज और मजबूत बनाना, तहकीक के बाद दस्तावेजी शक्ल में ढालना और इसका फरोग है। लोक विरसा को साल 2017 में जारी करदा हुकूमती ऑर्डिनेंस के तहत एक खुद मुख्तार इदारे का दर्जा हासिल है। इस इदारे के मामलात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वफाकी वजीर इत्तला'आत और नशरियात और कौमी विरसा की सरबराही में तय करते हैं। लोक विरसा के डिप्टी डायरेक्टर मीडिया मोहम्मद फुरकान का कहना है कि मुल्की सकाफत, ज़बानी अकदार, इलाकाई रिवायात और उनकी मालूमात को जदीद मवासलाती और मीडिया तकनीक के जरिए हासिल करके महफूज बनाना और आने वाली नस्लों तक पहुँचाना लोक विरसा के कयाम की असल वजूहात हैं। आप समझ लें कि जो हम खुशी मनाते हैं वो और जो गम मनाते हैं वो, ये सब कल्चर है। कल्चर का जो रिवाइवल है और उसकी प्रेजर्वेशन का जो स्टार्ट है ना, वो इसी लोक विरसा के इस्टेब्लिशमेंट के बाद हुआ है। और फैज़ अहमद फैज़ और अक्सी मुफ्ती जैसे लोग उनके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पोजीशन पे रहे हैं, जिन्होंने कल्चर की प्रमोशन, उसकी प्रजर्वेशन, उसको उसकी कम्युनिकेशन और उस पर जो कल्चर के बारे में जो रिसर्च है वो करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और पिछले जितने सालों में जब से लोक विरसा का क़याम अमल में लाया गया, बहुत काम हुआ है कल्चर की प्रजर्वेशन पे, फोकलोर की प्रजर्वेशन पे, इस पर रिसर्च पे। और बेसिकली हम छांट के हमने निकाला है कि हमारे जो माशरा है, हमारा जो मुल्क है, इसमें कौन कौन से कल्चर हैं, उनके क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, उनको कैसे सेव किया जाए, जो इंडेंजर्ड कल्चर्स हैं या ट्रेडिशंस हैं उनको कैसे बचाया जाए और कैसे प्रमोट किया जाए। लोक विरसा का सबसे अहम जो किरदार है वो ये है कि अपने कल्चर की चीज़ों को अगली नस्ल तक पहुंचाना है। तो आपने जो देखा है हमारा जो म्यूज़ियम है, इसके अलावा जहाँ जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि यंग जनरेशन आए, स्कूल से लोग आएँ, कॉलेजेस के बच्चे आएँ, यूनिवर्सिटीज से लोग, यंग जो लोग हैं वो आएँ, ताकि उनको पता चले कि हमारे मुल्क में कौन कौन से कल्चर्स हैं, कौन कौन सी ट्रेडिशंस हैं, हमारी फोक लोर क्या है, हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक क्या है। लोक विरसा में मुतालिया, तहकीक और सर्वे के जरिए मवाद के हुसूल को यकीनी बनाया जाता है, ताकि प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स के लिए अमली तजावीज़ तैयार की जा सके। इन तमाम अवामिल को बेहतर अंदाज से सरंजाम देने की खातिर स्टाफ को बाकायदा अमली तरबियत और मुआवनत फराहम करने के साथ साथ सरकारी और निजी इदारों, NGOs और तालीमी इदारों की शराकत से तरबियती प्रोग्राम, अंदरून और बैरून मुल्क स्कॉलरशिप्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार और अशाती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाता है। हमने रिसेंट ईयर्स में एक अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें हम डिजिटाइज कर रहे हैं सारे अपने रिकॉर्ड्स को, 60s में, 70s में जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि न्यू जो आपकी अब जनरेशन है वो डिजिटल एक्सेस में बिलीव करती है। तो आपकी चीज़ें ये सारी इंटरनेट पर अवेलेबल होंगी, वेबसाइट्स पे अवेलेबल होंगी, किसी के लिए भी। पूरे इंस्टीट्यूट को रिवाइव किया और एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है, ताकि बच्चे आएँ, यंग जनरेशन आए, मैसेज आएँ, वो देखें और उनमें कल्चरल के बारे में अवेयरनेस पैदा हो। लोक विरसा में सकाफती कॉम्प्लेक्स और म्यूजियम भी बनाए गए हैं, जहाँ मुल्क के तमाम सूबों, शहरों, देहातों, हत्ता के खत्ते के दीगर करीबी ममालिक की तहजीब और सकाफत को भी उजागर किया गया है। जबकि सकाफती मेलों का इनेकाद, फनून और दस्तकारियों की गैलरी, दस्तकार विलेज का कयाम, सकाफती अशिया की नुमाइश और फरोग, अवामी जानकारी के लिए सकाफती सनत की तशहीर और हौसला अफजाई भी की जाती है। ये कढ़ाई सिंध से होती है, ये सिंध का मतलब थरपारकर में जो है ना, वहाँ से ये कढ़ाई बनती है, वहाँ से कढ़ाई हम बनाते हैं, गांव में हमारे घर में भी बनती रहती है, तो फिर उस कढ़ाई को हम आगे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर लेके डेकोरेशन कर रहे हैं। हमारी चीज़ें कम बिकती थी, अभी बहुत सारी बिकती हैं, घर में इस्तेमाल भी हो जाती है डेकोरेशन की वजह से। लोक विरसा न सिर्फ सकाफती बल्कि अदबी और फनी सलाहियतों के शाहकार का भी मरकज है, जो दीगर फनून की तरवीज और तशहीर के साथ साथ दिन ब दिन जवाल पजीर होने वाले फन मुसव्वरी को भी जिंदा रखे हुए है, ताकि न सिर्फ फनपारों के शौकीन अफराद खिंचे चले आए बल्कि इस फन को सीखने वाले नौजवान भी इस्तफादा कर सके। पेंसिल वर्क पोर्ट्रेट में पिछले 30-40 साल से पेंसिल में और आयल पेंट कलर में बना रहा हूँ। पार्लियामेंट हाउस में भी मेरा काम लगा हुआ है और नेशनल अवार्ड भी मुझे मिला है, कायदे आज़म अवार्ड सन 2001। तो
अभी पिछले तकरीबन 9-10 साल से लोग विरसा वालों ने मुझे हमेशा आप दी है। इधर मैं बैठकर काम करता हूँ, पेंसिल स्केचेस और पोर्ट्रेट बनाता हूँ, तो लोग आते हैं, विजिटर देखते हैं और बहुत लाइक करते हैं, खुश होते हैं देखकर मेरे फन को। लोक विरसा में मुल्क भर से सालाना लाखों अफराद आते हैं, जिनमें नौजवान, बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल होते हैं, जो कसरत के साथ मुनक्किद होने वाले सकाफती मेलों, महाफिल मौसीकी, अदबी नशस्तों, कुतुब मेलों और दीगर तकारीब में शिरकत करके न सिर्फ लुत्फंदोज होते हैं बल्कि कीमती मालूमात का जखीरा भी समेट कर जाते हैं। हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत प्यारा और खूबसूरत है। बंदा अगर किसी एक कल्चर में रहे ना तो इतना बंदा नहीं सीख जाता, लेकिन जितना अगर डिफरेंट कल्चर होंगे, लोग होंगे, तो फिर लोग बंदा बहुत ज़्यादा सीख जाता है और आगे वो ग्रो कर लेता है। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इनोवेट किया जाए ताकि लोग और आएं। मुल्की सकाफत के बेबहार रंग देखने के लिए मकामी अफराद के अलावा हजारों गैर मुल्की सयाह भी हर साल लोक विरसा आते हैं, जहाँ एक ही छत के नीचे पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, ज़बानों और इलाकाई रिवायात के हसीन रंगों से न सिर्फ महजूज होते हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर की अक्कासी और तर्जुबानी करते हुए पाकिस्तान के मजबूत तासुर की तरवीज व तशहीर का सबब भी बनते हैं। Vivian from Hong Kong. I'm the traveler. And since now I've been traveling more than 1 year and 6 months. I like Love Visa very much because I like the art and craft products. And here sometimes Lock Visa they will arrange some event, then they will make you feel understand more about the culture, the art and craft of Pakistan. I'm Leo, come from China. Pakistan is the first country I visit. Yeah, after I graduate from university and I want to travel around the world, and where I see the picture about the Hongza in autumn. Yeah, here is very interesting, especially the, how to say the word? Craft. Yeah, craft. Hello, my name is Lee. I'm from Korea. Now I'm traveling world and now I'm like, I just came out from my home like 8 months now. I visited Lok Virsa like 2 weeks ago when I first visited Islamabad. That was my first time I visited museum in the Pakistan. But that was like, I didn't expect that much, honestly. But when I visit, Lok Virsa, I feel like this is so well-made museum. Yeah. So I can meet a lot of district place like a Chittor. What is the Sindhi's culture? Peshawar. Ajat. Ajat is Sindh. Ajat cultures and even Hunja, Gilgit, many places I can see from here. Yeah. So the beautiful. Museum is so informative. And so amazing. Beautiful museum. Yeah. सकाफत जो है हमारी पहचान है। सकाफत हमारी पहचान है। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।